हेलो गाइस, मैं हूं मयंक। और यार, आगे बढ़ने से पहले मैं इस बुक के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है एंड वी वॉकड अवे। काफ़ी प्यारी नोवेल है यार, लव स्टोरी। जब आप एक बार पढ़ना शुरू कर देते हो तो बस पढ़ते ही जाते हो। पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बताया था, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप शौकीन हैं पढ़ने के तो यार ये नोवेल आपके लिए ही लिखी गई है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं या फिर किंडल पे मंगा सकते हैं। और आपका फेवरेट नोवेल कौन सा है ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, सब्सक्राइब करो इंडियन रिएक्शंस को और दबाओ ये बेल आइकन ताकि आप देख सको मयंक की वीडियो सबसे पहले। तो यार, आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ डक्की भाई के एक वीडियो पे जिसका टाइटल है बर्गर बॉयज। तो मुझे पता है बर्गर बॉय कौन होते हैं, थोड़े अमीर होते हैं, थोड़ा शो ऑफ करते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई उनकी कैसे ले रहे हैं। हेयर वी गो। तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। आज हम किसी स्पेसिफिक बंदे की बात नहीं करेंगे बल्कि एक मखलूक की करेंगे। ये मखलूक आपको दुनिया के हर कोने में मिलेगी और जब भी मिलेगी शोखियां मारती हुई ही मिलेगी। हम बात करने वाले हैं बर्गर बॉयज की। अब बर्गर बॉयज ना दो टाइप के होते हैं, एक वो जो बाय बर्थ होते हैं जिनके खून में बर्गर दौड़ रहा होता है और दूसरे वो जिनको बर्गर बनाए जाते हैं। जो बाय बर्थ होते हैं उनका लेवल दुनिया में कोई नहीं पकड़ सकता। सबसे पहले तो ये इस्लामाबाद के होते हैं जिनकी आउटिंग सिर्फ मुनाल से संटोरस और संटोरस से सफा माल होती है। सेवर पे ये ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे उबले हुए चावल मिल गए हो। पापा को डैड और मम्मा को मॉम बुलाने वाली इस मखलूक की सीधी लुक्स पे आ जाते हैं। इनकी हेयर स्टाइल की 5-6 किस्में होती हैं। पहली किस्म है ये लंबे बालों वाले। यार देखो, एक होते हैं लंबे बाल, लेकिन बर्गर बॉयज रखते हैं खुसरो वाले लंबे बाल। इनमें से अक्सर को पीछे से देखो तो ज्यादातर बच्चियां ही लगती हैं। वो सामने आके पता लगे कि पैर उतारी रखी है। इनके बाल इतने लंबे होते हैं कि नहाते वक्त पिछवाड़े में। यार आज डक्की भाई को ज्यादा स्पीड नहीं बोल रहे हैं, मतलब समझने में दिक्कत हो रहा है भाई कि बोल क्या रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से सुनना पड़ रहा है। आज स्पीड वाकई बहुत ज्यादा है। फंस जाते होने। फिर आते हैं ये स्पाइक्स वाले। खिलौने इनके खड़े होते नहीं लेकिन स्पाइक्स इतने सीधे और लंबे खड़े होंगे जितना इनका मुंह भी नहीं होता। इसी को देख लो, हेयर स्टाइल प्रावा क्यों बनाया ना के फुटक लग जाते हैं। बाहर एंट्री लग रही होती जिम्मे सुत्या रजाई तो खिंचा के उठका के स्कूल नहीं जाना। इनकी लड़ाई हो जाए ना तो पिंडी बॉयज अपने लंबे चौड़े शियाड़ी वाले यारों को बुलाते हैं जो 70 का सिलेंसर उतार के पूरे तशन के साथ आते हैं। लेकिन बर्गर बॉयज जो करते हैं उनका लेवल ही डिफरेंट है। ये लोग अपनी मॉम को बुलाते हैं और फिर इनकी मॉम आके ओपोनेंट को ऐसे डांटती है कि बस छोड़ दो। एक और जो इनकी हेयर स्टाइल की किस्म है वो है ये वाला। क्या है ये? पूरी टिंट करवा के ऊपर खोते की लिद छोड़ देते हैं इतनी सी। भाई या तो पूरी टिंट करवाओ या तो ना करवाओ, ये छित्तर मुड़ का टोपा बनाने की लोड है भाई। अब वैसे हम आम लोग तो सुबह उठ के हाथ मुंह धो लेते हैं या तो नहा लेते हैं, लेकिन अपने बर्गर बॉय सुबह उठ के बाबा जी की प्यार की निशानी पे जरा सा लक्स मिला के अपने मुंह को तब तक लगाते रहेंगे जब तक इनका मुंह फेयर एंड लवली के एड में आने वाली लड़कियों जितना सफेद नहीं हो जाता। और मुंह धोने के बाद भी इनको कीड़ा रहता है कि मुंह अभी ज्यादा सफेद नहीं हुआ। उसके बाद ये लोग अपने बाथरूम के फर्श पर गिरा हुआ मॉइस्चराइजर और आंटी जमीला की बताई हुई घरेलू टोटके से बनी हुई शादी का लफ क्रीम लगाते हैं और फिर जब शीशे पे देखते हैं तो इनको लगता है कि ये ब्रैड पिट के टट्टी के कीड़े अब टॉम क्रूज बन चुके हैं। और फिर जब इनकी अम्मी नाश्ते में अंडा पराठा बनाती है तो इनके मुंह कुत्ते वाले बन जाते हैं और कहते हैं हमें तो कॉर्न फ्लेक्स चाहिए। और नाश्ते के बाद ये लोग चाय नहीं पीते हैं, ऑरेंज जूस पीते हैं पैन। अब वैसे तो इन्होंने नाश्ता ना करना स्वैग बनाया हुआ है, मतलब स्कूल में अगर इनको कोई पूछेगा ना कि नाश्ते में क्या करके आए तो बड़े चौड़े होके कहते हैं कि मैं नाश्ता नहीं करता, जबकि करके आए होते हैं। ब्रेक में ये लोग स्कूल की कैंटीन से बासी शवारमा खा रहे होते हैं और उन लोगों पे हंस रहे होते हैं जो घर से लंच लेके आए हैं। घर वापस आने के बाद इनके घर पे दस्तक होती है और फिर आता है इनका चुतिया बर्गर दोस्त जो अपने घर से अपने पियो से लड़के किसी दोस्त से बाइक मांग के आया होता है और यही शो करता है कि ये बाइक उसकी है। हर सैटरडे और संडे नाइट पे ये लोग अपनी पापा की गाड़ी पे हॉटस्पॉट जाते हैं शोदियां मारने। और जो ज्यादा बर्गर होते हैं वो अपनी हैवी बाइक लेके ब्रूम ब्रूम पाटे पाटे लगाई होती है। भाई बाइक ले लिए, रख लो, शोर तो ना डालो यार। यार देखो, एक होते हैं वेले, फिर आते हैं चूड़े, फिर आते हैं व्हाइट ड्राइव जैसा घटिया बकवास इंटरनेट लगवाने वाले, और फिर आते हैं ये लोग। अब इसका कैप्शन देखो, शी गॉट माई बैक I got hers। मिसाले क्या मतलब she got my back? गाड़ी क्या तेरे अंदर अपना रेडिएटर डालती है? बर्गरों के दोस्त वही बनते हैं जिनके पास DSLR होता है। और अगर तुम लोगों को कहीं पे बर्गरों का ग्रुप मिल जाए तो समझ जाना कि उनमें से एक के पास DSLR है और बाकी लड़के उस DSLR वाले के अखरोट चाटने आए हुए हैं ताकि ये लोग अपने मुंह से बड़ा काला चश्मा लगा के DP लेके DSLR वाले से WhatsApp करवा के Facebook पे लगा के ये सोच सकेंगे अब जब भी कोई बच्ची इनकी प्रोफाइल देखेगी तो बोलेगी जबकि बोलती है एक बार जंप किया तो पूरी पैंट नीचे गिर जाएगी, पांचों पे पूरी पैंट आ रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे लहंगा पहना हुआ है। और फटी हुई पैंट की मुझे लॉजिक समझ नहीं आती कि अगर सीली हुई पैंट 1000 रुपए की है तो फटी हुई पैंट आपको 6000 रुपए में मिलेगी। बेल्टों में ये 5000 की गुच्ची, 12000 की नाइकी के शूज, 6000 की शर्ट और शक्ल वही 50 रुपए वाली जिसपे 1000 रुपए का फेशियल करवा के कहते हैं कि अब ठीक है। अब आते
होते हैं इनके इंग्लिश के कीड़े पे। भाई देखो, अगर इंग्लिश बोलने आती है ना तो इंग्लिश बोलने में कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बर्गर लोग इंग्लिश बोलते नहीं है, इंग्लिश भौंकते हैं। ऐसे बात करेंगे कि अगला बंदा पूछेगा अरे क्या लफड़ा फंस गया मुंह में। इंग्लिश ऐसे बोलेंगे जैसे इंग्लैंड की पैदावार हो। प्ले लिस्ट में इनके इंग्लिश रैप और ट्रांस के अलावा कुछ नहीं होता। और अगर गलती से इनके सामने पाकिस्तानी या बॉलीवुड गाना लग जाए तो फौरन बोलते हैं मैं तो पाकिस्तानी और इंडियन गाने सुनता ही नहीं। अबे तो दफा हो जाओ ना। अब आते हैं उनकी तरफ जिनको बर्गर बनाया जाता है। ये बर्गर बॉयज पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, स्पेशली लाहौर, मुल्तान और कराची के बिकन हाउस और LGS के पास। जाना इन्होंने सिर्फ MM आलम या DHA ही होता है, और वहाँ से टट्टी सा मैक चिकन खा के आते हैं, जिसमें चिकन पीस इतना छोटा होता है जितना बबलू का खिलौना। आउटिंग इनके एम्पोरियम से स्टार्ट होकर पैकेजेस मॉल में बंद हो जाती है। कोई बच्ची इनकी DP या कमेंट लाइक कर दे तो उसके इनबॉक्स पे जाके ऐसी वैसी छोड़ेंगे कि अगली भी तंग आ रही है कि मैंने रिप्लाई दिया ही क्यों था। फिर ये लोग अपना अब्बा चेंज कर लेते हैं, कभी कोई सलमान खान की औलाद निकलता है तो कभी कोई नवाज शरीफ का। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं बच्चे। यार बस आज के लिए इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को भी दबाओ। और वैसे भी अपनी डक्की भाई टीम ने डिसाइड किया कि आज की वीडियो पर हर लाइक मारने वाले को बहुत बहुत मजा आएगा, और अगर ना आया तो मेरी मुंडी मरोड़ के बबून की पिट्ठी में घुसेड़ देना। मुझे भी सब्सक्राइब जरूर कर रहे, क्योंकि 100 के बस अब होने ही वाले हैं। यार डक्की भाई ने काफ़ी सही टॉपिक चुना है वीडियो बनाने का। इंडिया में बर्गर बॉयज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे सो बाजी करना इसे बोलते हैं। और सेम थिंग जो भाई ने बोला, यहाँ भी वही होता है। कैंटीन में दबा के खा रहे होते हैं, लेकिन घर से लंच लेके जाने में उन्हें शर्म आती है। बाल स्पाइक जरूर होंगे, बाइक बहुत महंगे महंगे वाले होंगे, और एक बंदा एक टाइम में चार चार लड़कियों को घुमा रहा होता है। और वो मम्मी वाली बात यार काफ़ी सही है, मैंने रियल लाइफ में ये देखा है कि अगर मिडिल क्लास बॉय और अपर मिडिल क्लास या उससे ऊपर के क्लास में झगड़ा हो जाए तो यार अपर मिडिल क्लास या उसके ऊपर वाले जो मम्मियाँ होती हैं वो यार मिडिल क्लास को कंटा पेक देती हैं, और डांटती भी बहुत सॉलिड है, अपने बेटे का नहीं देखती। भाई मैंने सच में ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, मतलब मैं नहीं पीटा हूँ, मैंने दोस्तों को डांट खाते हुए देखा है। यार हाँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो है भोजपुरी। का हो का हलवा आपने सुना होगा कभी। लालू प्रसाद यादव एक बार पाकिस्तान गए थे तो वहाँ पे शायद उन्होंने बोला भी था। तो ये लोग भोजपुरी कभी नहीं बोलते, हिंदी कभी कभार बोल लेते हैं, लेकिन हाँ इंग्लिश, वाह मतलब इंग्लिश आती हो ना आती हो लेकिन उन्हें बोलना है। पिज्जा हट हो, डोमिनोज हो, KFC हो, जहाँ जाएंगे ये वेटर से इंग्लिश में बात करेंगे, ये ऑर्डर इंग्लिश में देंगे। हम जाएंगे तो भाई भोजपुरी में, का भैया का हाल है, मिलेगा का। वो सामने वाला भी लोकल होता है जो ऑर्डर ले रहा होता है, वो खुश हो जाता है भाई यार सही, मतलब वो उसको कनेक्शन होता है दिल से दिल का कि भाई अपने लैंग्वेज में दे रहा है, लेकिन ये जाके भाई ये इंग्लिश में ही बोलेंगे। सामने वाला भी रहता है चल भाई तू ले ऑर्डर जा बैठ। तो सौबाजी इनमें यार बहुत ज़्यादा होती है। बात करें इस वीडियो की तो यार भाई ने आज बहुत ही स्वीट बोला, बाकी जो वीडियोज़ होते हैं उसमें इतना स्पीड नहीं बोलते, और पहले वाले वीडियो ज़्यादा बेहतर लगे मुझे बोलने का जो स्पीड था उस लिहाज से देखे तो, क्योंकि यार इसमें एक जोक ख़त्म हो रहा था, एक पंच लाइन ख़त्म हो रहा था, उसके ठीक बाद दूसरा आ जा रहा था, तो पहला समझ में आता तब तक यार दूसरा आ जा रहा था, तो यार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जा रहा था। तो मेरे ख्याल से थोड़ा अगर धीरे बोले डक्की भाई तो और ज़्यादा बेहतर होगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही। रिएक्शन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करना ना भूले, एम करते कम से कम 1000 लाइक्स की। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये इंस्टाग्राम की ID फॉलो भी जरूर कर ले, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो फिर खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या इस्लामाबाद रहें, अमन की आशा।